लेकिन चलिए कुछ और कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। विनोद वर्मा है हमारे साथ का सवाल है, शिमला से इन्होंने भेजा है। सवाल है इनका टीएफसी को लेकर, 250 शेयर्स हैं 62 के प्राइस पर। विकास, क्या सलाह होगी आपकी टीएफसी पर, 62 के लेवल पर इन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं? जी, अगर आप स्टॉक देखोगे तो एक करेक्शन जोन कंप्लीट कर चुका है। अगर लास्ट 3 वीक में देखोगे तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो मेरी राय से यहाँ पे ऐड ऑन करके जा सकते हैं। डाउन साइड में 38 का एक स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको होल्ड करना चाहिए। जी, मोहम्मद यासीन का सवाल है जेएनके से, लिप्सा जेम्स पर इनकी क्वेरी है, 200 शेयर्स है 122 के प्राइस पर। राजेश, अगर आप ट्रैक करते हैं तो कमेंट करना चाहेंगे, लिप्सा जेम्स पर क्या करना चाहिए? 122 पर खरीदे शेयर्स, 92 पर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। देखिए, अगर आप देखें तो पूरा जेंट फंड ज्वेलरी सेक्टर दबाव में देखा गया है, कुछ अपने कारणों से, कुछ जो इतने दिनों से जो हड़ताल चल रही है उसको लेकर के, और जहां दिग्गज कंपनियों की हालत उतनी अच्छी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में बने रहना चाहिए। आप यहां से निकल जाएं, अगर इस सेक्टर में ही रहना चाहते हैं तो टाइटन एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में अगर बने रहना है तो टाइटन बेहतर विकल्प हो सकता है। अगला सवाल है अनिल शर्मा का, दिल्ली से, एलएनटी पर सवाल है, 200 शेयर्स है 1104 के प्राइस पर, क्या करें विकास? जी, अगर एलएनडी की बात करें तो अपर साइड में 1200 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंट लग रहा है, तो मेरी राय से यहाँ पे एक डाउन साइड में 1170 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें रह सकते हैं। अगर 1200 के ऊपर अगर एक कॉल नीचे ऊपर का ब्रेकआउट कर रहा है तो ही अच्छा खासे मोमेंटम देखे जा सकते हैं, अदरवाइज 1200 के आसपास प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए। प्रमोद का सवाल है लखीमपुर से, स्पाइस जेट पर क्वेरी है, 550 शेयर है 74 रुपए के भाव पर। आज खबर भी है पूरे एविएशन स्पेस की, आईओसी ने एटीएफ के प्राइसेस कट की हैं और इसी वजह से पूरी एविएशन में हमने बाइंग देखी है, क्या करना चाहिए? राजेश, 65 के भाव पर ट्रेड कर रहा है स्पाइस जेट, इनका खरीद 74 पर है। दीपाली, पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि स्टॉक में मेरी पर्सनल पोजीशन है। जहां तक अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही है, पिछले 3 क्वार्टर्स में कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर्स दिए हैं, अब क्रूड का भी सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है, पीएलएफ बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है कि स्टॉक में बने रहना चाहिए और गिरावट में और भी एक्युमुलेट किया जा सकता है। होल्ड रखें, ऑन डिप्स बाय भी कर सकते हैं स्पाइस जेट। अगला सवाल है मोहित का गाजियाबाद से, हिंडालको के 1000 शेयर्स है 75 रुपए के भाव पर, 84 पर ट्रेड कर रहा है, मुनाफा लेकर बाहर आ जाए या फिर होल्ड रखें हिंडालको? विकास, फिलहाल तो होल्ड रख सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला कि मेटल पैक में अच्छा यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है, तो मेरी राय से ये स्टॉक यहाँ से 92-94 के लेवल्स अभी भी इंटैक्ट है, तो वहाँ पे जब आए तो बुक कर सकते हो, अभी फिलहाल होल्ड करके जाना चाहिए। होल्ड रखें हिंडालको, 92 के लेवल्स आए तो वहाँ प्रॉफिट्स आप बुक कर ले। अगला सवाल है संदीप का नोएडा से, दो स्टॉक्स इनके पास, एक तो इंडिगो जहाँ पर परचेजिंग प्राइस 990 का है और दूसरा एबन ऑफशोर 350 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदा है, और दोनों स्टॉक्स में आज तेजी है भी, क्या करें राजेश इन दोनों शेयर्स में? देखिए, इंडिगो में मुझे लगता है कि वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेस्ड हो गएंगे, बेहतर विकल्प आपके जैसे थोड़ी देर पहले मैंने स्पाइस जेट कहा या जेट है जो कि वैल्यूएशन के लिहाज से बेहतर स्थिति में, तो वहां स्विच कर लें। जहां तक अबान का सवाल है, बहुत ज़्यादा टूट चुका है पिछले दिनों स्टॉक, और मुझे लगता है कि यहां से एक अच्छी बाइंग इमर्ज होकर आ सकती है। लास्ट 2-3 दिन में अच्छा मोमेंटम देखा भी गया है, लेकिन बावजूद इसके मैं समझता हूं कि एक अच्छी वैल्यू है स्टॉक में, बाइंग करनी चाहिए। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, अबान मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है। राकेश का सवाल है भुवनेश्वर से, सुजलॉन 13,500 क्वांटिटी है 25 रुपए के भाव पर, काफी नुकसान में है विकास, ये संक्षेप में रखिएगा, क्या करें सुजलॉन में? जी, अगर सुजलॉन की बात करें तो एक ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे मेरी राय से तो यहाँ पे डाउनसाइड लिमिटेड लग रहा है इस स्टॉक में, तो यहाँ पे एक एड ऑन करके जा सकते हैं। एवरेज कॉस्ट अगर नीचे आए तो यहाँ से वापस एक 21-22 के लेवल्स के लिए जा सकते हो। निधि का सवाल है नवसरी से, यूनाइटेड स्पिरिट्स 50 शेयर है 2619 के भाव पर, क्या करना चाहिए राजेश? यूनाइटेड स्पिरिट्स पर स्ट्रेटेजी क्या रेकमेंड करेंगे? 2300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए, वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, बिल्कुल बने रहने चाहिए, और अब जब चूंकि जो ओवरहैंग था मालिया साहब का वो निकल जाने के बाद, तो जब डीआईजी के अंडर में पूरी पूरी कंपनी आ चुकी है, लंबी अवधि के लिए बिल्कुल बने रहने चाहिए स्टॉक में, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड करने की सलाह है यूनाइटेड स्पिरिट्स। अगला सवाल है अनवर शेख का नासिक से, और ये बैंक निफ्टी पर आउटलुक जानना चाहते हैं, क्या आउटलुक है आपका बैंक निफ्टी पर अभी विकास? जी, अगर इंडेक्स की बात करें तो बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, मेरी राय से यहाँ से वापस एक बाउंस बैक आ सकता है। ओवरऑल मार्केट भी मुझे लग रहा है कि निफ्टी के अगर आप देखोगे तो 7440 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जैसे बैंक निफ्टी भी में भी 15,000 के आसपास के एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे होल्ड करके जाइए। यहाँ से वापस मुझे लगता है कि वापस बैंक निफ्टी 15,600-15,700 के लेवल्स दिखा सकती है। अगला सवाल है विनोद सोनी का इंदौर से, सिप्ला पर इनकी क्वेरी है, 100 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 537 के प्राइस पर, अभी स्टॉक करी 535 पर ट्रेड कर रहा है, इनके परचेजिंग प्राइस के पास ही है सिप्ला, क्या करें राजेश?
बने रहे, इनकी टाइम होराइजन मुझे पता नहीं है, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि अपना टाइम होराइजन 9 से 12 महीने के रहें, स्टॉक में बने रहें, बहुत ही उम्दा कंपनी है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, बने रहने की सलाह रहेगी जी। अगला सवाल है आर गोपाल का झांसी से, BEL 20 शेयर्स की क्वांटिटी है इनके पास और जो परचेजिंग प्राइस इन्होंने बताया वो 1350 का है, 1080 पर ट्रेड कर रहा है, क्या सलाह है विकास आपकी BEL पर? जी अगर इस स्टॉक देखोगे तो एक स्लो मूवमेंट करता है, यहाँ से एक डाउन साइड में स्टेबल मूवमेंट कर चुका है, अगर आप चार्ट पे देखोगे तो 1080-1070 के आसपास एक मेंटेन कर रहा है ये स्टॉक, तो मेरी राय से अपर साइड में 1120 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, अगर इस स्टॉक को ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से वापस वो 200 DMA के आसपास जा सकता है, अराउंड 1200 के टारगेट के लिए वेट करना चाहिए, मेरे राय से तो होल्ड करके जाना चाहिए स्टॉक, होल्ड करने की सलाह है BEL। अगला सवाल है युवराज है कर्नाटका से, HMT 50 शेयर्स हैं इनके पास और जो परचेजिंग प्राइस है वो 4740 का है, HMT करीब 46 रुपए पर अभी ट्रेड कर रहा है, 35 पैसे का इजाफा है, इनके परचेजिंग प्राइस के पास ही ट्रेड कर रहा है राजेश, ये शेयर क्या करे, बाहर आ जाए या फिर जिस तरह से सरकार की मंशा है इन वीक सिक PSUs को उबारने की उस बात को ध्यान में रखते हुए होल्ड रखे? देखिए मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक में बने रहना चाहिए, ऐसी जो खबरें ये PSU उसको उबारने की, कंपनी को बेचने की, HMT के साथ लगातार बनी हुई है कई बरसों से मैं देख रहा हूँ, इवन अगर वो सब कुछ होता है तो वो एक ट्रेडिंग बाउंस होगा जो कि निवेशकों के लिए कोई फायदे का नहीं होगा, आप 2-4 रुपये के मूवमेंट के इंतजार कर सकते हैं, बट मेरी राय ये रहेगी कि फंडामेंटली स्टॉक से निकल जाना चाहिए जी, एग्जिट करने की सलाह है HMT से। अगला सवाल है प्रवीण का हिसार से, IDFC 200 शेयर्स है 172 के प्राइस पर, क्या करें विकास ये 39 पर, इनफैक्ट ये इनके पास IDFC और IDFC बैंक दोनों के ही शेयर्स होंगे, डीमर्जर से पहले की शायद इनकी ये बाइंग है, पर IDFC और IDFC बैंक दोनों पर ही आप कमेंट कर दीजिए, क्या करें ये? जी अगर दोनों स्टॉक की बात करें तो एक ऑलमोस्ट ओवर सोल्ड में है, फ्लैट मूवमेंट कर चुका है, यहाँ से ज़्यादा मुझे डाउनसाइड नहीं लग रहा है, लिमिटेड ही लग रहा है यहाँ पे, तो मेरी राय से यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, यहाँ पे एग्जिट करके कुछ यूज़ नहीं होगा, यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, तो फिलहाल तो होल्ड कीजिए, अपर साइड में जैसे भी मार्केट 76-78 के आसपास आए तो एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए।